हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो में हमने हार्वेस्टिंग को डिस्कस किया, जहाँ पे हमने जाना कि मैनुअली हम सिकल से काम करते हैं या जो है हम कंबाइन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि कटिंग और जो है थ्रेशिंग है, जो दोनों काम करती है। सो आज जो है, जब हमारे पास फसल पककर आ गई है, तो अब हम उसे करना है स्टोर। क्योंकि अगर सपोजली आपके पास 100 किलो गेहूं आया, तो आप एकदम से तो उसको कंज्यूम नहीं करते। सो वी हैव टू स्टोर समथिंग फॉर अवर फ्यूचर ऑल्सो। सो स्टोरेज, लेट्स गेट स्टार्टेड, दैट इज़ द स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ प्रोडक्ट इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। डेफिनेटली अगर आप जो क्रॉप को संभालोगे नहीं, तो वो क्रॉप आपकी ख़राब हो सकती है। तो आपने उसको बहुत मेहनत से सींचा है, तो वो आपकी मेहनत भी सारी बेकार जा सकती है। सो इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, तो अगर आपको हार्वेस्टेड ग्रेन्स को ज़्यादा देर के लिए, लंबे टाइम के लिए रखना है, दे शुड बी सेफ फॉर मॉइस्चर, इंसेक्ट्स, रेट्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अगर आप उसको अच्छे से संभाल नहीं करोगे, क्योंकि उसमें मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, हो सकता है उसके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएँ, फिर उनको रैट्स भी खाने लग जाएँ और कुछ इंसेक्ट्स भी आ जाएँ। सो हार्वेस्टेड ग्रेन्स हैव मोर मॉइस्चर, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जो हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं उनको ऊपर, उनके अंदर जो बहुत ज़्यादा मॉइस्चर होता है। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन या सीड्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, दे मे गेट स्पॉइल्ड और अटैक बाय ऑर्गेनिज्म, मेकिंग देम अनफिट फॉर यूज और फॉर जर्मिनेशन। तो यही जो सीड्स हैं, जो हमारे ग्रेन्स हैं, यही जो आगे जो है जाकर हमारा जो है ये सीड बनेंगे, तो जो एज वील यूज़ दैम एज अ सीड। तो अगर हम इसको अच्छे से स्टोर नहीं करेंगे, तो ये जो है, एक तो हम इसको खा भी नहीं पाएंगे, दूसरा हम अब इसको उगा भी नहीं पाएंगे, तो फिर हमारी इतनी मेहनत का फ़ायदा क्या। तो जब अब आपने इतनी मेहनत करी ली है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस क्रॉप को अच्छे से स्टोर करके रखें। Hence, before storing them, the grains are properly dried in the sun to reduce the moisture in them. तो ये बहुत ज़रूरी है, आप अपने ग्रेन्स को अच्छे से सुखाएं, उसको अच्छे से धूप लगाएं, ताकि उसका जो है मॉइस्चर कंटेंट है वो थोड़ा सा कम हो जाए। This prevent the attack by insects, insect pest, bacteria and fungi. तो आपको पता है, जितना मॉइस्चर ज़्यादा होगा, वहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत जल्दी पनपता है। तो अगर आप अपनी ग्रेन्स को या अपनी क्रॉप को अच्छे से धूप में सुखाओगे, तो उसका मॉइस्चर कंटेंट जो है कम हो जाएगा, तो उसकी वजह से जो उसमें बीच में पनपने वाला बैक्टीरिया और फंजाई है, वो भी कम हो जाएगा। आई सॉ माई मदर पुटिंग सम ड्राइड नीम लीव्स इन एन आयरन ड्रम कंटेनिंग वीड, आई वंडर वाई। तो जो नीम लीव्स है, उसकी वजह से जो है कुछ कीड़े मकौड़े नहीं आते हैं। तो आपने बहुत बार देखा, नीम के पत्तों को कपड़ों में भी रखा जाता है, ताकि उसके ऊपर टिड्डी वगैरह ना पड़े। तो ये जो कई बार क्या होता है, उसमें ड्रम में, जो जिस ड्रम में आपने क्रॉप को स्टोर करना होता है, तो उसमें आप सूखी नीम के पत्ते भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जो ग्रेन की स्टोरेज की है, जहाँ पे जो स्टोरेज कंटेनर ऑफ ग्रेन्स होते हैं, उनको हम साइलोज बोलते हैं। सो साइलोज आर फॉर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। दिस कैन बी ऑल्सो एज अ वन वर्ड आंसर, कि साइलोज किसके लिए यूज़ किए जाते हैं। तो आप देख सकते हो, ग्रेनरी जो कि अनाज दाना है, वहाँ पे जो है स्टोरेज ऑफ ग्रेन किया गया है गनी बैग्स में। नाउ फार्मर स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटालिक बिन्स। तो फार्मर किस में स्टोर करते हैं, जूट बैग, जैसे कि आप देख सकते हो इस पिक्चर में, या इन पिक्चर्स में ये जो है ईंट के बने हुए हैं, लेकिन घर पर बहुत सारे जो है किसान मेटालिक जो बिन्स हैं उनको भी यूज़ करते हैं। However, large scale storage of grain is done in silos and granaries to protect them from pests like rat and insect. तो आप देख सकते हो, यहाँ पे जूट बैग में स्टोर किया गया है, और ऊपर जो है साइलोज रखे गए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा लेवल पे जब हम स्टोरेज करते हैं। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम। फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटी ऑफ ग्रेन्स इन बिग गोडाउन, स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड टू प्रोटेक्ट दम फ्रॉम पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जितने भी बड़े गोडाउन्स होते हैं, वहाँ पर जो है ग्रेन्स होते हैं, उनका स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट किया जाता है, ताकि उनको पेस्ट से बचाया जाए और जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाया जाए। तो आज हमने डिस्कस किया कि स्टोरेज ऑफ ग्रेन कैसे होती है। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अपनी क्रॉप को अच्छे से धूप में सुखाकर फिर उनको स्टोर करें, या तो ग्रेन जो जूट बैग हैं, या कुछ मेटालिक बिन्स हैं, या साइलोज में। तो ये जो तीन चीज़ें हैं, या मेटालिक बिन है, ये तीन चार चीज़ें जहाँ पर हम स्टोर करते हैं, और हम बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनमें मॉइस्चर कम हो। दूसरा, उनको किससे बचाने के लिए, पेस्ट हो गया, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो गया, रैट हो गया और इंसेक्ट हो गया। सो इन द नेक्स्ट लेसन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट फूड फ्रॉम एनिमल्स। टिल देन यू स्टे ट्यून। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।